हेलो माय ऑल फ्रेंड, स्मार्ट हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम लोग पेपाल वॉलेट के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। क्या हम इंडिया पेपाल वॉलेट पर एड मनी कर सकते हैं? अगर एड मनी कर सकता है तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर नहीं हो सकता है तो इसका ऑल्टरनेटिव रास्ता क्या है? तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं पेपाल क्या है और कैसे यूज़ होता है। तो पेपाल एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, तो जिसके मदद से अगर आप इंटरनेशनल किसी क्लाइंट से कुछ प्रोडक्ट परचेस करता है या फिर किसी वेबसाइट से सब्सक्रिप्शन लेता है या फिर अगर आपको किसी भी वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेस करना है तो वहाँ पर आप पेपाल के जरिए पे कर सकते हो और आप अपना जो भी प्रोडक्ट है वो इंडिया पर मंगा सकते हो। तो बेसिकली पेपाल पेमेंट के लिए यूज़ होता है। तो फिर यह है पेपाल का इंटरफेस। अगर आप अपने पेपाल अकाउंट को लॉगिन करते हो तो आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं क्या हम इंडियन पेपाल वॉलेट पर एड मनी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इंडियन पेपाल वॉलेट पर आप एड मनी नहीं कर सकते। तो वॉलेट का आगे पीछे देखिए, यहाँ पर आपको एड मनी करने का किसी भी तरीके का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर पेपाल ने इंडियन पेपाल वॉलेट पर एड मनी करने का किसी भी तरीके का ऑप्शन नहीं दिया है। तो फिर यहाँ पर अगर आप सोचते हैं पेपाल वॉलेट पेटीएम वॉलेट की तरह काम करता है तो यह गलत है, क्योंकि पेटीएम पर आप अपना पेटीएम अकाउंट से अपने फ्रेंड का पेटीएम वॉलेट पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप इंडियन पेपाल अकाउंट से आपका फ्रेंड का इंडियन पेपाल अकाउंट पर मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस पर भी पेपाल ने रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। पेपाल वॉलेट का बैलेंस को लेकर आप किसी को सेंड मनी नहीं कर सकते, किसी भी वेबसाइट पर पे नहीं कर सकते, किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप पे नहीं कर सकते। अगर आपका पेपाल के वॉलेट पर बैलेंस है, वो बैलेंस सिर्फ आपका बैंक अकाउंट पर विड्रॉ ही होगा, इसके अलावा वो किसी काम का ही नहीं है। अगर आप चाहते हो पेपाल वॉलेट पर कुछ बैलेंस ऐड करने का तो यहाँ पर किसी भी तरीके का ऑप्शन नहीं है। तो पेपाल का जो कहना है, अगर आपको किसी भी वेबसाइट पर पे करने की ज़रूरी है या फिर अगर आप चाहते हैं किसी इंडिविजुअल पेपाल को पेमेंट सेंड करने की, तो उस टाइम पे आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड को यूज करके ही पेमेंट करना होगा, इसके अलावा आप पे नहीं कर सकते। तो अगर आपका पेपाल वॉलेट पर कुछ बैलेंस रहता है तब भी आप उसको सेंड मनी और पेमेंट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो पे और सेंड मनी करने के टाइम पर आप अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही आपको पे कर सकते हैं, इसके अलावा पेपाल वॉलेट बैलेंस यूज़ नहीं होगा उस केस में। तो पेपाल वॉलेट का पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन है इंडिया पर। अगर आप दूसरे कंट्री जैसे यूके और यूएस से होता है तो यूके और यूएस पेपाल वॉलेट पर आप ऐड मनी कर सकते हो, उसको लेकर आप किसी को सेंड मनी कर सकते हो, किसी वेबसाइट पर पे कर सकते हो, आपका पेपाल वॉलेट का फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। तो फिर अगर आप इंडिया पेपाल से इंडिया पेपाल अकाउंट पर मनी सेंड करने की ट्राई करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक मैसेज देखने को मिल जाएगा या फिर आपका ट्रांजेक्शन पेंडिंग पर चला जाएगा और कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर पैसे आपको रिफंड मिल जाएगा। एक्चुअली यह डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ऑफ करने के वजह से ऐसा हो रहा। मैं यहाँ पर यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप इंडिया पेपाल से इंडिया पेपाल अकाउंट पर मनी सेंड करने का ट्राई मत कीजिए, वो नहीं होगा, ऐसा ही मैसेज आएगा, फेल्ड होगा, नहीं तो पेंडिंग पर जाएगा। तो फिर अगर आपको इंडिया से दूसरे कंट्री में पैसे सेंड करना है या फिर अगर आपको क्लाइंट पेमेंट करना है या फिर अगर आपको किसी वेबसाइट पर पेमेंट करने की ज़रूरी है तो उस केस में ऑल्टरनेटिव के लिए आप एक वेबसाइट को यूज़ करके आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रस्टेड वेबसाइट को सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है सेफ टू वॉलेट। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको सेफ टू वॉलेट डॉट कॉम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से भी जाके आप विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट को। तो इस वेबसाइट पर नीचे की तरफ चले जाइए, यहाँ पर देखिए आपको बहुत तरह तरह की सर्विस मिल जाएगा, जैसे कि आप इनवॉइस पे कर सकते हैं, वेबसाइट पर पे कर सकते हैं और आप अपना क्लाइंट को या फिर दूसरे कंट्री में पेमेंट सेंड कर सकते हैं। और पेपाल के अलावा भी इस वेबसाइट पर बहुत सारे ऐसे सर्विस है जिसके जरिए आपका 90% पेमेंट का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा सर्विस आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप अपना नेमचीप वॉलेट पर एड मनी कर सकते हैं, नेटेलर वॉलेट का आपको सर्विस मिलेगा, डिपॉजिट और विड्रॉल मिलेगा, स्क्रिल का भी आपको डिपॉजिट और विड्रॉल मिलेगा,
एस्ट्रोपे का आपको सर्विस है डिपॉजिट और विड्रो का, मोबाइल ट्रैकर प्रीमियम पेमेंट आप कर सकते हैं, और ये वेबसाइट ट्रस्टेड है, आपका पेमेंट सेफ एंड सिक्योर रहेगा, किसी भी तरीके का फ्रॉड या चीट नहीं होगा। तो गाइस अगर आपके मन में पेपल के बारे में और भी कुछ सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन पर लिख कर बताइए और मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने का। और फ्रेंड स्मार्ट हेल्प यूट्यूब चैनल पर फ्यूचर में पेपल के बारे में एक पूरा सीरीज आने वाला है, तो अगर आप वो वीडियो मिस करना नहीं चाहता है तो इस चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अच्छे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।